हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ विवाह से संबंधित कुछ योगों की। क्या क्या बताते हैं वह योग, तो सबसे पहले कुछ लाइंस ड्रॉ करूँगा ताकि इजी रहे आपके लिए समझना। तो यहाँ पर कोई ऐसा कलर लेते हैं जो मैच मिक्स ना हो। तो यह जो लाइन है इसको हम कहते हैं जीवन रेखा, और उसके बाद यह जो लाइन चल रही है इसको कहा जाता है मस्तिष्क रेखा, और यह जो लाइन है इसको कहा जाता है हृदय रेखा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सुखी विवाह हेतु कौन से ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो अगर शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत विकसित हो, यहाँ पर यह शुक्र है, इसको मैं ग्रीन कलर से बताना चाहूँगा आपको, यह वीनस है, वीनस का माउंट जो है यह अच्छा हो, उभरा हुआ हो, और जुपिटर अच्छा उभरा हुआ हो, तो एक बहुत ही अच्छा विवाह का योग बनता है। और इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में पामिस्ट्री की बुक्स में बहुत कुछ लिखा गया है कि सुखी विवाह के कौन से चिन्ह होते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे बताता हूँ आपको। और सबसे पहला, यदि हथेली में भाग्य रेखा का जो कमेंसमेंट है, शुरुआत है, वह चंद्र पर्वत से हो, यानी अगर किसी के हाथ में जो भाग्य रेखा है वह मून एरिया से निकल कर जाए, यहाँ से चलकर भाग्य रेखा कुछ इस तरह से सैटर्न तक पहुँचे, तो यह एक सुखी विवाह का चिन्ह है। और दूसरा, यदि भाग्य रेखा हृदय रेखा पर आकर समाप्त हो तो यह भी एक सुखी विवाह का चिन्ह बताया जाता है। आपको एक बार बनाकर दिखाता हूँ। यदि किसी की भाग्य रेखा जो है वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाए, कुछ इस तरह से यहाँ से चलकर यह हार्ट की लाइन पर ख़त्म हो जाए, तो यह एक सुखी विवाह का चिन्ह माना जाता है। और उसके अलावा एक क्रॉस यानी गुरु के माउंट के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस का चिन्ह बन जाए, इस तरह से एक्स बार बनता हो, तो यह भी एक सुखी विवाह का चिन्ह माना जाता है। अब आगे बात करेंगे सुखहीन विवाह की, यानी कौन से ऐसे चिन्ह हैं जो किसी व्यक्ति की शादी को सुखहीन कर सकते हैं, विवाह की जो सुखी विवाह की जो हमारी कामना होती है उसको खराब कर सकते हैं, ऐसे कौन से चिन्ह हैं। तो सबसे पहले, यदि अगर जो शुक्र पर्वत है यानी वीनस है यह बहुत ही कम उभरा हुआ हो, यानी कुछ दबा हुआ हो, यह वाला एरिया अंगूठे के जहां पर मैंने एक सर्कल किया है, यह जो एरिया है यह कुछ दबा हुआ हो, तो सुखहीन विवाह होता है। इसके बाद बात करते हैं इसी एरिया की, यदि शुक्र के एरिया के ऊपर तारे का चिन्ह आ जाए, तारा यानी कुछ इस तरह का चिन्ह अगर किसी हाथ में बनता है, तो इसको भी एक सुखहीन विवाह माना जाता है। और उसके बाद यदि विवाह रेखा पर आइलैंड का चिन्ह हो, विवाह रेखा यहाँ पर बनती है कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर अगर आइलैंड यानी द्वीप का चिन्ह बन जाए, तो उसको भी हम सुखहीन विवाह मानते हैं, कुछ ऐसे बनता है आइलैंड का चिन्ह, तो यह भी अच्छा नहीं माना जाता। और यदि भाग्य रेखा पर एक क्रॉस का चिन्ह बन जाए, तो यह भी नेगेटिव फल देता है। यह भाग्य रेखा है, इसके ऊपर कहीं पर भी इस तरह से क्रॉस का चिन्ह बन जाए, तो यह भी विवाह के सुख को छीन लेता है। अब बात करते हैं अनमेल, यानी कि ऐसे विवाह की जिसमें कोई मेल ना हो, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ना हो, और या एज का डिफरेंस हो, कुछ अनमेल विवाह उसको कहा जाता है। तो यदि सूर्य रेखा तथा विवाह रेखा आपस में कटती हो, सूर्य रेखा हमारी यहाँ पर बनती है, और अगर विवाह की रेखा आकर ऐसे इसको काट जाए, तो यह अनमेल विवाह माना जाता है। और यदि शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा विकसित हो, यह जो एरिया बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, इतना एरिया जो मैंने अभी सर्कल किया है, और बहुत ज़्यादा लालिमा में हो, रेडिश रेड कलर का हो, तो यह भी एक अनमेल विवाह के बारे में बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ ऐसी लाइनें हो, तो उस व्यक्ति का यानी उस लड़के या लड़की का विवाह बहुत ही अच्छे घर में होता है, यानी किसी व्यापारी से, बिजनेस पर्सन से शादी के जो चांसेस बनते हैं। अगर किसी के मणिबद्ध से कोई रेखा शुक्र पर्वत की ओर जाती हो, मणिबद्ध यहाँ पर जो एरिया है नीचे जो तीन लाइनें होती हैं, कई बार कुछ लोगों के चार होती हैं यहाँ पर, इसको मणिबद्ध का एरिया कहा जाता है। यदि यहाँ से कोई रेखा ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पहुँच जाए वीनस माउंट के ऊपर, तो ऐसी लड़की का विवाह जो होता है वह बहुत ही रिच पर्सन से और बिजनेस पर्सन से होता है। और यदि शुक्र रेखा सूर्य रेखा का शुक्र रेखा से कोई संबंध बन जाए, सूर्य रेखा यहाँ से नॉर्मली चलती है, कुछ लोगों की काफ़ी लंबी होती है, और अगर शुक्र यानी वीनस की ओर से कोई लाइन ऐसे आकर इसके साथ अटैच हो जाए,
तो ऐसी लड़की या लड़के की शादी भी काफी अच्छी फैमिली में और बिजनेस फैमिली में यानी बिजनेसमैन के साथ शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अनमेल शादी के बारे में यहाँ पर बताना चाहूंगा। अगर कुछ ऐसी लाइनें जो अपने से ज्यादा एज के लड़के या लड़की से शादी होने के बारे में बताती हैं, यदि कोई रेखा मणिपथ से निकलकर शुक्र पर्वत तथा शनि पर्वत पर जाती हो, तो ऐसी हालत में भी अगर कोई ऐसी रेखा मणिपथ से निकलकर यहाँ से निकलकर काफी ऊपर तक शनि तक पहुंच रही है, या कुछ ऐसे दोबारा ड्रॉ करके बताऊंगा, कुछ इस तरह की रेखा की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ से निकलकर कुछ इस तरह से शनि तक पहुंच रही हो, तो ऐसी जो रेखा होती है यह अनमेल विवाह यानी अपने से काफी ज्यादा एज के लड़के या लड़की से शादी होने के बारे में यह बताती है। यदि हाथ कमजोर हो यानी बहुत ही वीक हैंड हो, पतली पतली उंगलियां हो बहुत ज्यादा, और भाग्य रेखा और प्रणय रेखा यानी कि शादी की लाइन, एक बार सारी लाइन को मिटा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सके, हाथ बहुत वीक हो और यहाँ पर जो लाइन होती है यह भी कटी फटी हो, कुछ इस तरह से टुकड़े टुकड़े हो रखे हों, और जो भाग्य रेखा है यह भी कुछ ऐसे टूट कर चल रही हो, तो ऐसे लड़के या लड़की की शादी भी अपनी उम्र से ज्यादा के व्यक्ति के साथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे बाधा की, विवाह में आने वाली बाधाएं किस तरह से देखी जाती हैं, तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा, यदि विवाह रेखा कई स्थानों पर कटती हो तो बाधाएं आती हैं। यहाँ पर हमारी यूनियन लाइन होती है, अगर इसको ऐसे काटने वाली लाइनें हो, मोटी लाइनें हो, तो यह बाधा पैदा करती हैं, व्यक्ति की शादी में काफी अड़चने आती हैं। इसके अलावा अगर चंद्र माउंट के ऊपर, यह जो एरिया है चंद्र का है, इसके ऊपर ज्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं हो, कुछ इस तरह की रेखाएं हो, तो यह भी विवाह में बाधा का काम करती हैं। और यदि शुक्र पर्वत पर दो स्टार बन रहे हो, तारे के चिन्ह, तो यहाँ पर शुक्र माउंट होता है, अगर एक बनता है तो वह सुखहीन विवाह बताता है, अगर दो बन जाते हैं तो विवाह पहले विवाह होने में ही बहुत दिक्कतें आती हैं, उसके बाद विवाह भी सुखहीन रहता है। इसके बाद बात करते हैं तलाक की, तलाक की कौन से चिन्ह होते हैं, लास्ट ये मेरा इस वीडियो में टॉपिक है, तलाक के चिन्ह इस वीडियो में बताने चाहूंगा कि कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं जिससे तलाक के बारे में पता चलता है। शुक्र रेखा से हृदय रेखा की ओर कोई रेखा जाती हो, यानी यह शुक्र का माउंट है, इसमें से कोई रेखा निकलकर इस तरह से हृदय रेखा को काट रही हो या यहां तक पहुंच रही हो, तो यह एक तलाक का चिन्ह बन जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कोर्ट कचहरी की थ्रू तलाक लेने की नौबत आ सकती है। दूसरा, अगर भाग्य रेखा के ऊपर आइलैंड हो तो वह भी तलाक को रिप्रेजेंट करता है और काफी स्ट्रेस देता है व्यक्ति को, यह हमारी भाग्य रेखा है, और अगर इसके ऊपर कहीं पर भी आइलैंड का चिन्ह बन रहा हो, जैसे यह आइलैंड का चिन्ह है या यहां पर कहीं आइलैंड का चिन्ह बन रहा हो, तो यह एक तरह से तलाक को रिप्रेजेंट करता है, और विवाह के रेखा के अंत में रेखाओं का गुच्छा बन रहा हो तो वह भी तलाक को रिप्रेजेंट करता है। रेखाओं का गुच्छा यानी टेसल जैसी फॉर्मेशन की मैं यहाँ बात कर रहा हूं, यह जो अंत है तो यहां पर एक ब्रीक ब्रीक लाइनों से टेसल की फॉर्मेशन हो रही हो, मैं बनाकर दिखा रहा हूं आपको, कुछ इस तरह की जो टेसल फॉर्मेशन होती है, अगर यहां पर ऐसी बनती हो तो यह भी तलाक की नौबत तक पहुंचा देता है। तो यह कुछ योग थे जो शादी के बारे में मैंने इस वीडियो में बताना चाहा, कि शादी में कौन सी रेखाएं होती हैं जो अड़चने ला सकती हैं, कौन सी सुखमय विवाह के बारे में बताती हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं सारे के सारे निशानों को पूरी तरह से क्लियरली बताऊं, तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, जो कोई चीज आपको नहीं समझ लगी इस वीडियो में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाईज करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।